हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोड इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी और कुष्ठ रोग जैसे घातक बीमारी हो गया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए, एमडीटी के साथ तमाम तरह के दवाएं का हमने प्रयोग कर लिया, उसके बाद भी बीमारी जड़ से ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, भीषण गर्मी के कारण बिजली का व्यवस्था में कमी आ रहा है, बिजली लगातार कटने की वजह से लगभग एक सप्ताह डिस्टर्ब रहने के कारण चैनल पर हम नहीं आ रहे थे, तो अब बिजली की स्थिति ठीक हो गया है और गर्मी में चमड़े का बीमारी जो है काफ़ी बढ़ जाता है, तो गर्मी से बचने के लिए आपको कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे नए ज़माने में बहुत ज़्यादा गर्मी पर है तो आप वाटर पार्क की सहायता ले सकते हैं, इसके बारे में हम कभी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो गर्मी में दाने फुंसी तो निकलते ही है और पहले कोई चमड़े का बीमारी है तो गर्मी में आकर काफ़ी बढ़ जाता है, जैसे कुष्ठ रोग है या अन्य कोई खाज खुजली है काफ़ी बढ़ जाएगा, तो बढ़ता है। इसमें साबुन भी अपना थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, ये जो पियर साबुन है इस टाइप का साबुन आपको यही प्रयोग करनी चाहिए। कुष्ठ रोग है या चमड़े का किसी भी प्रकार का बीमारी है तो जो इस पार से उस पार दिखाई दे उसी का प्रयोग करनी चाहिए, किसी भी ब्रांड का जो इस पार से उस पार दिखाई देता है जिसे ग्लिसरीन सॉप कहा जाता है आप इसका प्रयोग करें। और कुल भी इसमें आता है, गर्मी के लिए ठंडा साबुन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें यदि आपका लेप्रोसी यदि कुष्ठ रोग है और चमड़ा टाइट हो रहा है, चमड़ा हार्ड हो जा रहा है तो उसे मुलायम सॉफ्ट रखने के लिए आप चलमोगरा का तेल, तुबरक ऑयल का आप प्रयोग कर सकते हैं, चलमोगरा तेल। और यदि आपको सुनबहरी कुष्ठ रोग हैंसन डिजीज हो गया है तो इसे अपना पूरा लक्षण दे करके आपको इलाज करानी पड़ेगी। यदि एमडीटी का दवा आप ले रहे हैं, एमडीटी का दवा ले रहे हैं और एमडीटी का दवा से ठीक नहीं हो रहा है और तरह तरह के दवाइयां आप कर रहे हैं तो कुष्ठ रोग जो है बहुत खतरनाक और घातक बीमारी है और इसे टेम्प्रोरी या अन्य कोई साधन से अंग्रेजी दवा से इसे जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता है। जब ठीक होगा तो होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होगा। कई लोगों को बार बार बताने के बाद में भी कि जिसको इसका अनुभव है वही इसका इलाज करेंगे, अब होम्योपैथी का नाम सुनते हैं कहीं चले जाते हैं और कहीं से इलाज लेना शुरू कर देते हैं और कई डॉक्टर तो साफ साफ बोल देते हैं कि हमारे इसका उपचार नहीं है, तो इसमें अनुभव की बात रहती है। बेहतरीन अनुभव से ही यह बीमारी ठीक होता है, कोई भी दवा लेने से ठीक नहीं होता है। और ये हाइड्रोकोटाइल 200 4 बूंद सुबह शाम लेने से बीमारी कंट्रोल में रहता है और जड़ से ठीक कराने के लिए आपको तो इलाज कराना पड़ेगा। यदि आप छपरा जिला बिहार से हैं तो आप क्लिनिक पर डायरेक्ट आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा दूर हो रहे हैं तो ऑनलाइन आप सेवा हमारी ले सकते हैं, ऑफलाइन में भी आकर दिखा सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल आपको इसमें प्राइवेट संस्था में तो इलाज कराने में अपने जेब से आपको खर्च देना पड़ता है, तो यदि पैसे की व्यवस्था नहीं है उस समय तक आप हाइड्रोकोटाइल दवा ले सकते हैं, इससे बीमारी कंट्रोल रहता है।
फिर से सुनिएगा, हाइड्रोकोटाइल इससे बीमारी कंट्रोल रहता है, ठीक नहीं होता है। कई बार लोग आकर पूछते हैं ये सर क्या करेगा, तमाम तरह के वीडियो हम आपको देते रहते हैं, उसके बाद भी आप बार बार पूछते हैं कि क्या करेगा, तो वीडियो में सब चीज़ बता दिया गया रहता है। तो यदि आपको कुष्ठ रोग है तो सबसे बड़ी पहचान, इसका पहचान सबसे बड़ी क्या, इसका पहचान करना बहुत ज़रूरी है। कुष्ठ रोगी का पहचान, इसमें चमड़ा, चमड़ा का क्या रहता है, सुन रहना। हर तरह के चमड़े का बीमारी होता है, कई प्रकार का होता है। सफ़ेद दाग, कई लोगों को ओठ पर उजला होता है और यहाँ का चमड़ा सुन नहीं रहता है। तो चमड़ा सुन, ये जो चमड़ा सुन नहीं रहेगा तो ये क्या कह, ये आपको कुष्ठ रोग नहीं कहलाएगा। चमड़ा सुन नहीं रहेगा तो कुष्ठ रोग नहीं कहलाएगा। चमड़ा सुन होगा तभी कुष्ठ रोग कहलाएगा। यदि चमड़ा सुन नहीं रह रहा है, यदि मान लीजिए अगर चमड़ा सुन नहीं है और केवल चमड़ा सफ़ेद हो गया है, तो एलिकोडर्मा बोलता है। कुष्ठ रोग में और सफ़ेद दाग में बहुत का अंतर है। सफ़ेद दाग लिकोडर्मा, ये आपको शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसमें हाथ पांव का उंगली टेढ़ा नहीं होता है, नाखून नहीं गिरेगा लिकोडर्मा में, सफ़ेद दाग में। लेकिन कुष्ठ रोग में हाथ पांव का उंगली जो है टेढ़ा होने लगता है और ये नाखून जो है धीरे धीरे खराब होने लगता है। नाखून क्या होगा, धीरे धीरे खराब होने लगेगा नाखून, और आँख से एक कम दिखाई देने लगता है, आँख खराब होने लगता है। MDT का दवा आप ले रहे हैं तो उसका कई साइड इफ़ेक्ट होता है, जॉन्डिस, पीलिया का होना, जॉन्डिस हो जाएगा, इससे आप फेरे में पड़ सकते हैं। होम्योपैथिक दवा लेने में आपको ये किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, जॉन्डिस नहीं होता है और इसे जड़ से ठीक हो जाता है। MDT से बीमारी ठीक नहीं होता है, जड़ से समाप्त नहीं होता है। कई सारे मरीज जो हैं पूछते हैं कि सर आप बोलते हैं कि MDT से बीमारी ठीक नहीं होता है तो दवा बना क्यों, तो हम पूछ रहे हैं कि आप ही बता दीजिए, जब सारा बीमारी अंग्रेजी दवा से ठीक हो जाएगा, MDT से ही ठीक हो जाएगा अगर एक कुष्ठ रोग, तो फिर होम्योपैथिक दवा क्यों बना। आपके प्रश्न में का उत्तर इस प्रकार से हम देते हैं। तो हेनीमैन जो साहब थे, अंग्रेजी यानी एलोपैथ का दवा का वो ट्रीटमेंट करते थे, एलोपैथिक दवा से MBBS डॉक्टर थे, वो संतुष्ट नहीं थे। कोई बीमारी एलोपैथिक से जड़ से समाप्त नहीं होता था, इसलिए उन्हें इन्वेंशन किया होम्योपैथिक दवा का। तो होम्योपैथिक दवा बिना शरीर को काला किए, बिना शरीर को साइड इफ़ेक्ट पहुंचाए, बिना जॉन्डिस किए, बिना आँख को ख़राब किए, बिना शरीर और चेहरे का शाइनिंग ख़त्म किए आपके बीमारी को ठीक कर देता है। कई लोगों का बीमारी ठीक हो चुका है और हम साउंड रिकॉर्ड करके डालते रहते हैं, और जैसे समय मिलेगा कई लोग का रिकॉर्ड हो चुका है, आपको हम ज़रूर शेयर करेंगे। तो कुष्ठ रोग जो है एक गंभीर और ख़तरनाक बीमारी है। इसका शुरुआती जो लक्षण होता है झुनझुनी, कहीं पर भी मारेंगे काफ़ी झुनझुनी, बिजली की तरह झटका लगेगा और झुनझुनी आएगा। धूप जो है, सनलाइट है, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे जो कुष्ठ रोगी हैं उनको धूप में नहीं निकलनी चाहिए, आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए, उसे फूरे निकलने का खतरा रहता है, और ओझा गुनी के फेरे में नहीं रहनी चाहिए। यह एक गंभीर बीमारी है, कई स्टेज होता है इसका, उस पर हर स्टेज पर देखनी पड़ती है। MDT दवा लेने पर बहुत लोगों का तो कंट्रोल रह सकता है,
लेकिन दवा छोड़ते ही धीरे धीरे बीमारी वापस आने लगता है। एमडीटी यदि आप ले रहे हैं तो इसमें आपको भली भांति आपको जानकारी होनी चाहिए और अपने डॉक्टर से डिस्कस जरूर करें कि क्या यह दवा आपकी बीमारी को जड़ से समाप्त कर देगा। आप इसलिए नहीं पूछते हैं कि फ्री की दवा मिलती है, आप इसलिए नहीं पूछते हैं कि फ्री में दवा मिलता है, मंगनी के बैल का दांत कौन देखने जाए। लेकिन फ्री में दवा मिले और आपका तबीयत ठीक ना हो तो उसमें समय भी ज़्यादा लग जाता है और बीमारी भी बढ़ने का खतरा रहता है। आपको ज़रूर अपने बीमारी के बारे में डॉक्टर से डिस्कस करनी चाहिए। यदि कुष्ठ रोग, लेप्रोसी की बीमारी हो गई है तो डॉक्टर से अपना डिस्कस जरूर करें कि क्या आपका बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगा या इसे केवल कुछ दिनों के लिए आराम रहेगा। क्या इसका उपाय है बिना शरीर को काला किए, बिना किसी शरीर को हानि पहुंचाए जॉन्डिस, पीलिया, आँख से कम दिखाई देना, चक्कर, उल्टी जैसा मन, ऐसा नहीं भी हो सकता है? बिल्कुल इसका उत्तर है हाँ। होम्योपैथिक दवा लेने के बाद में किसी भी तरह का कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं होता है। बिना शरीर को काला किए, बिना शरीर आँख को क्षति पहुँचाए ये बीमारी को जड़ से समाप्त करने में पूरी तरह से सक्षम होता है। कुष्ठ रोगी को फोरा पूरे शरीर में फोरे निकल सकते हैं, ये नाखून भी धीरे धीरे ये मोटा होकर खराब होने लगता है, और नाखून जो है ये नाखून जो है मोटा होने लगेगा और ये धीरे धीरे खराब हो जाएगा। और चमड़े का कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कुष्ठ रोग हो, रिंग वर्म हो, सोराइसिस, खाज, खुजली, दिनाए, कुछ भी हो, सारे के सारे यौन क्षमता को प्रभावित करते हैं। यानी आपको यौन क्षमता को पूरी तरह से प्रभावित करने में आपको ये बीमारी जो है सक्षम है। यौन क्षमता को पूरी तरह से कम कर देता है, यानी सेक्स पावर जीरो हो सकता है और इसमें बच्चे पैदा करने की क्षमता इस बीमारी के कारण लगातार घटते रहता है। इसमें आपको हमेशा फल फ्रूट्स, अच्छा ताज़ा भोजन, स्ट्रॉन्ग, जो भी शरीर को मजबूत करे वही भोजन आपको लेनी चाहिए। शरीर को जो स्ट्रॉन्ग करे, दाल, दूध, दही, घी, काजू, किशमिश, खजूर, ड्राई फ्रूट्स में आपको संतरा, आंवला, अनार, सभी फलों का प्रयोग करनी चाहिए। जिस प्रकार से आपको गंजी जंघिया पहन लीजिएगा तो पूरा ड्रेसअप नहीं कहा जाएगा, उसी से केवल रोटी, चावल, सब्जी खा लेने मात्र से ही शरीर को पूरा विटामिन नहीं मिल पाता है। इसके लिए अलग से आपको फल फ्रूट्स लेनी चाहिए। यह बीमारी ज़्यादा दिन होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, विदेश में रहने के कारण, होटल में काम करने के कारण, होटल में खाना पकाने के कारण, ईंट भट्ठा में काम करने के कारण आपको ये बीमारी लग सकता है। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो जहाँ पर हीट ज़्यादा है,
खाना पकाने का काम वो आपको नहीं करनी चाहिए। इसमें न्यूरोफिजिशियन का कोई रोल नहीं है। यदि आपका नस ब्लॉक हो रहा है, सुन हो गया है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगा है, शरीर में दर्द आ रहा है, नसों में दर्द आ रहा है, सूजन हो रहा है, न्यूरोफिजिशियन का कोई रोल नहीं है। जब लेप्रोसी कुष्ठ रोग का बीमारी ठीक होगा, होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होगा। आजकल बच्चों में भी यह बीमारी देखने में आता है। यह बीमारी जो है बच्चों को भी होते हुए देखा गया है। तो कुष्ठ रोग ये जो आँख का बीमारी है, आँख ये जो प्यारे प्यारे आपको जो ये जो प्यारे प्यारे जो आँख हैं आपके, जिसे दुनिया आप देखते हैं, ये कुष्ठ रोग के कारण आपकी आँख की रोशनी भी जा सकता है। यह बीमारी उस शरीर में आपको आ जाएगा तो बहुत तबाही मचाता है। मुंह को टेढ़ा कर देता है, नाक को ये बैठा देगा, ये कान जो होता है मोटा होने लगता है, और चेहरे पर आ जाए तो ये क्या करता है, चेहरे पर यदि आ जाए तो ये स्किन को मोटा आपको दिखाई देने लगता है, हाथी के तरह चमड़ा होने लगे, मोटा आपका भैंस के चमड़े के तरह, दही के छाली के तरह, और वहाँ पर कलम आप उठाइए और वहाँ पर इसमें कलम हलाकर देखिए, यदि आपको नहीं समझ में आएगा चिट्टी काटिए, पिन हलाइए, यदि समझ में नहीं आए तो आपको कुष्ठ रोग की बीमारी है। कुष्ठ रोग जहाँ पर लगता है वहाँ का चमड़ा जो है, यहाँ पर यदि मान लीजिए लेप्रोसी का लक्षण आ गया, केस यहाँ का सारा झड़ जाएगा, पसीना निकलना बंद हो जाता है, और मुंह भी खुलना बंद हो सकता है, आँख का पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, यदि आपका आँख का रोशनी धीरे धीरे कम हो रहा है तो पपीते का सेवन आप कर सकते हैं। गर्मी में यदि दाने निकले तो उसमें 10 बूंद पानी में डिटॉल डाल करके आप इसमें स्नान कर सकते हैं। तो कुष्ठ रोग में भारी कमजोरी, बहुत ज़्यादा आपको कमजोरी, थकान लगेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, चक्कर आने लगता है और शरीर में कंपन भी आ सकता है, और जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखना, चमड़ा का बूढ़े जैसा दिखना, यह कुष्ठ रोग का लक्षण है। खाना इसमें अभी बताए हैं कि जो भी लीजिए इसमें आप स्ट्रॉन्ग लीजिए, हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग भोजन करनी चाहिए, जो भी शरीर को बुत्ता दे, ताकत दे, वो चीज़ आपको लेनी चाहिए। प्याज डेली खाने से यौन क्षमता वृद्धि करता है और इसमें आपका अलग से उपचार किया जाना चाहिए। यदि लेप्रोसी के मरीज हैं, पेट संबंधी आपको बीमारी है, पेट की खराबी है, उसका भी उपचार लेना बहुत जरूरी है। जब लेप्रोसी का बीमारी आगे बढ़ेगा तो केस भी आपका ये झड़ सकता है। इसमें जांच, कई लोग कहते जांच क्या है इसका, स्किन स्मियर टेस्ट आप करा सकते हैं। उसमें चार जगह से चमड़ा काट करके ब्लड निकाल करके आपको जांच किया जाता है, कई लोग बायोप्सी कराते हैं, और एलिसा फर लेप्रोसी की जांच होती है। लेकिन MDT दवा लेना हो तब, अगर होम्योपैथिक इलाज करानी है तो जांच की कोई ज़रूरत नहीं है। चमड़ा सुन हो जाएगा, यदि क्या हो जाए, चमड़ा सुन हो जाए तो आप कहीं भी जाइएगा, यही आधार बनता है लेप्रोसी का। शुरुआती दौर में जांच कराने से कोई फायदा नहीं होता है, ये काफ़ी बीमारी जब आगे बढ़ जाता है तभी जांच में आता है। और कौआ कान लेके गया, एक कौआ को नहीं देखना है, कान को देखना है। आपको बीमारी में अगर निगेटिव लिख दिया, आप बीमारी आपको शरीर में दिखाई देता ही है, तो बताइए रिपोर्ट के आधार पर दवा चलेगा कि आपको जो शरीर में लक्षण है उसके अनुसार चलेगा। तो जो शरीर में दिक्कत है,
सुनापन है तो ज़रूर इसका उपचार चलेगा। सुनापन जो है MDT से कभी ठीक नहीं होता है, यही सुनापन आगे चल करके मरीज को क्या कर देता है, अब ये लेप्रो कुष्ठ रोग जो है हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा कर देता है, हाथ पांव की उंगली धीरे धीरे पतला पड़ने लगता है। और मेमोरी, स्मरण शक्ति, ये जो माइंड है ये क्या है, इस माइंड को धीरे धीरे यानी मेमोरी पावर को धीरे धीरे समाप्त करता है। आपको नहीं लगेगा कि आपका दिमाग कम पड़ रहा है, लेकिन यह हकीकत बात है। आप धीरे धीरे सोचेंगे कि आपको एक ही बात को 4-5 बार पूछनी पड़ती है, एक ही बात को आपको कह भी दीजिएगा तो लगे हम कहे नहीं है, याददाश्त नहीं रहता, याद कमज़ोर हो जाता है धीरे धीरे। आप जब भी चलते हैं तो पैर से चप्पल निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। इसके लिए सुनापन को ठीक करना ज़रूरी है। कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए चमड़ा का जो सुनापन है वो ठीक होगा, तभी आपका ये जो कुष्ठ रोग है पूरा जड़ से समाप्त होगा। तो यदि कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, आपको हैंसन डिजीज हो गया है, सभी एक ही बीमारी का नाम है, कुष्ठ रोग, कोढ़, हैंसन डिजीज, ये सब सुनबहरी लोग कहते हैं। सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, वास्तव में इस बीमारी का नाम है कुष्ठ रोग। या छोटे डॉक्टर से दिखाइए या बड़े डॉक्टर से, छोटे अस्पताल में जाइए या बहुत बड़े अस्पताल में, कहीं पर भी जाइए आपको MDT का ही दवा मिलेगा। इसलिए आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि बहुत बड़े अस्पताल में और बहुत बड़े डॉक्टर से दिखाने के बाद में आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। यह बीमारी हमने कई लोगों का साउंड को रिकॉर्ड करके हमने आप पर शेयर कर दिया। बहुत लोग अपना परिचय देना नहीं चाहते हैं, कई लोग तो कुष्ठ रोग के कारण बेड पकड़ लेते हैं और बिछावन से अपना भी काम नहीं कर पाता था, लोग खाना नहीं खा पाता है लोग। जब ये लेप्रोसी आगे बढ़ जाएगा मुंह में दाने भी हो सकते हैं और बहुत खाना धीरे धीरे कम हो जाएगा। खाना जब आपका कम हो जाएगा तो काफ़ी आप कमज़ोर हो जाएंगे। यदि भूख कम लग रहा है, वजन 60 kg से कम है, इस पर भी विचार करनी चाहिए। और कुष्ठ रोगी का जो दर्द पीड़ा आता है, सूजन आता है, डेप्सोन और MDT का दवा ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण आपको भारी नुकसान हो सकता है। MDT के कारण आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो ज़्यादा एक साल का कोर्स कर लिए हैं तो आपको 2 साल नहीं करनी चाहिए। कई लोग एक साल में ठीक नहीं होते हैं तो सोचते हैं कि 2 साल खा लें, 2 साल नहीं में ठीक हुआ तो 3 साल खा लें। आप दिमाग में रखिए कि MDT से चाहे कितना भी दिन आप दवा खाएं, बीमारी जड़ से ठीक नहीं होगा। और ज़्यादा एक साल से बेसी आप दवा लेंगे तो फायदे की जगह पर आपको नुकसान हो जाएगा। इसका एक ही सिर्फ रास्ता है कि आपका दवा लक्षण के अनुसार ही चले, और जो इलाज करते हैं वही इलाज करेंगे तभी आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। कई लोग कहते हैं सर दवा लिख दीजिए और हम अपने जहाँ हैं उसी जगह से खरीद लेंगे। उनको लगता ही नहीं है कि इतना गंभीर बीमारी है, उनको लगता है कि दवा लिख दिए खा लेंगे ठीक हो जाएगा। उनको अपने सुविधा के अनुसार वो अपना बात करते हैं, लेकिन यह एक घातक बीमारी है। पूरा लक्षण जानने के बाद ही उसकी कितनी मात्रा देनी है, कौन सी कंपनी देनी है, बहुत सारे कंपनियां होती है, प्लस खुद का बहुत सारा दवाइयां रिसर्च होता है, रिसर्च दवाइयों से उपचार होता है। ये दर पीढ़ी दर बाप दादाओं से चले आता है अनुभव। पिताजी, स्वर्गीय पिताजी डॉक्टर जनकदेव सिंह जी, वो देखते थे, उसके बाद हम देख रहे हैं, उसके पहले गुमास्ता जी वैद्य थे, वो देखते थे। वो खानदानी कुछ इसमें अपनी रिसर्च होती है, उस सभी को मिलाकर तब ठीक होता है। हर दवा जरूरी नहीं है कि आपको मार्केट में उपलब्ध ही होगा, यदि उपलब्ध होगा तो उसमें भी आपको डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा कि कितने मात्रा में कौन डोज चलानी पड़ेगी। ऐसे हर डॉक्टर का अपना कुछ रिसर्च होता है,
उसी से आपका बीमारी ठीक होता है। जरूरी नहीं है कि मार्केट में सब दवा उपलब्ध ही हो, मार्केट के दवा के भरोसे कुष्ठ रोग से मुक्ति नहीं पा सकते हैं, बल्कि डॉक्टर के अपने रिसर्च दवाओं के कारण आपका बीमारी ठीक होता है। तो कुष्ठ रोग यदि आपको हो गया है तो बिना साइड इफेक्ट पहुँचाए, बिना किसी टेंशन का आपका बीमारी ठीक होगा, आप होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह का सलाह और सुझाव की ज़रूरत है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए और नंबर को सेव कर लीजिए स्मार्ट मोबाइल में, और सेव करने के बाद में उस पर आप अपने नाम पता लिख करके वीडियो कॉल की सुविधा आप ले सकते हैं। परमिशन लेकर के वीडियो कॉल से भी बात किया जाएगा, वीडियो बनाकर डाल सकते हैं, चमड़े का फोटो डाल सकते हैं, चेहरे को आप छुपा दीजिए, चेहरे को छुपा करके भी अपना फोटो शेयर कर सकते हैं घर बैठे। छपरा जिला बिहार से आप काफ़ी दूर हैं, ऑनलाइन सर्विस आप ले सकते हैं। किसी भी तरह के समस्या का निदान आपको जानना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533, यानी 980-1757-533 पर आप राय ले सकते हैं। 9801757533 पर आप व्हाट्सएप करिए, हर समस्या का समाधान जानिए, चाहे दूर हो या नज़दीक हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर बंगाल में क्लिनिक है कि नहीं, असम में है कि नहीं। अरे ऑनलाइन जब हो गया है तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ विदेश में भी आप दवा का आप डिलीवर करवा सकते हैं, किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होता है। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण दिन प्रतिदिन चैनल बढ़ते जा रहा है और काफ़ी सहयोग और कॉपरेट करते हैं, जिसके वजह से लेप्रोसी को नियंत्रण करने में, जड़ से ठीक करने में बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है। कुष्ठ रोगी अपने दम पर रिसर्च करवा रहे हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहते हैं, मान सम्मान देते हैं, इसलिए हम आते हैं चैनल पर। आकर के अपने डॉक्टरी प्रचार करना मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि आपके बीमारी के जो खतरनाक भविष्य में रिजल्ट आते हैं उससे आपको अवगत कराना है कि सुनबहरी कहना छोड़ दीजिए, वास्तव में एक कुष्ठ रोग है, बाद में जाके आपको विकलांग बना देगा। तो आप जागरूक जानिए इस बीमारी के बारे में, और जागरूकता फैलाने से ही और सटीक इलाज करने से ही समय पर कुष्ठ रोग से पूरे दुनिया को मुक्ति दिलाई जा सकता है। MDT से तो केवल आपको कंट्रोल रहता है, ठीक करने के लिए होम्योपैथिक दवा ही बेस्ट है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।